तो नैना बोटिक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने ये बनाई है अपनी पूरी पैंट रेडीमेड तरीके से। ये हमारा सिविल की पैंट है मगर हमने रेडीमेड तरीके से बना रखी है। इस पर बैक पॉकेट ऊपर से लगा रखी है, बेल्ट भी रेडीमेड बना रखा है, इसमें कोई बुकरम नहीं है। ये देखिए बिल्कुल रेडीमेड तरीके से। अगर आपको ये सब कुछ चीज़ की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें जो मैं आपको सिखा सकूं। और फिलहाल मैं आपको सीट बनाने का तरीका, जोड़ने का तरीका बता रहा हूं। तो जैसे कि इसकी कमर है 36 इंच 37 इंच, तो मैं इसको यहां 18.5 इंच पे यहां लगा दूंगा निशान, जो मैंने ऑलरेडी पहले से लगा रखा है। तो मैं इसको यहां से, इसमें योग बना रखे हैं हमने पैंट में जैसे रेडीमेड में होते हैं, तो ये हमें मिलाना है। तो हम ये किस प्रकार से मिलाएं, हम चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ से, इसको हमें सामनों को दोनों को मिलाना पड़ेगा इस जगह से, जो हमारा इस सामना ये है और एक सामना। यहाँ से नापेंगे आप, यहाँ से नहीं नापेंगे, वो तो एक्स्ट्रा वाली फ्लाई है। यहाँ से आप नापें इस प्रकार। नापने के बाद में यहाँ से हमने जो निशान लगा रखा है, इसको इस तरह से बेल्ट अपना बराबर करते चले जाएँ और यहाँ पर आके इसको सिलाई लगा लें इस तरह से। तो हमने ये इसकी जुड़ाई कर दी है। देखिए अभी जॉइंट इसके मिल चुके हैं। सबसे मेन चीज़ होती है कि जॉइंट मिलाना। अब हम इस पर एक पैर की सिलाई लगाएंगे इस प्रकार। आप देखिए आप बिल्कुल रेडीमेड तरीके से पैंट अपने घर पे बना सकते हैं। आप चाहें तो ये सिंगल, हमने डबल बेल्ट इसलिए बनाया है, लूज़ या टाइट भी कर सकते हैं। और अगर आपको सिंगल बेल्ट बिल्कुल रेडीमेड ही वाला चाहिए है एक बेल्ट में, तो उसको भी हम आपको बता देंगे। अगर आपको सीखना है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करें। अब ये हमारी पैंट हो चुकी है कंप्लीट। तो आप ये देख सकते हैं हमारी सीट की जुड़ाई, ये हमारी डबल डबल पॉकेट हैं और इधर हमारी ये पैंट है। यहाँ फलाई की सिलाई भी लगा रखी है, टांगे यहाँ बांध रखी है, टांगे यहाँ बांध रखी है। फिलहाल हमने यहाँ भी टांगे बांध रखी है, बिल्कुल पूरा तरीका रेडीमेड का है। अब हम आपको दिखाते हैं मोरी लौट के, आप देख लीजिए। ये हमने मोरी लौट दिए, इसी प्रकार हम अपनी ये वाली मोरी लौट लेते हैं इस तरह से। ये ऐसी मोरी है का हमने मार्जिन काट रखा है इसमें तुरपाई वाला। अगर हम इसको ऑलरेडी नीचा करना पड़ जाए तो हम नीचा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे इस प्रकार और इस पर वैसे ही सिलाई लगा देंगे। तो दोस्तों हमने अपनी ये मोरी फोल्ड कर ली है, आप देख सकते हैं बिल्कुल इस पर सिलाई लगा रखी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ तो उसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कल को कभी भी कोई भी हम आपके लिए वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले मिले आपको। थैंक यू।